उत्तराखंड का एप्पल फ्रांस के कान फेस्टिवल में दिखाई दिया। जी हां, तस्वीरें आप देख रहे हैं बॉलीवुड अभिनेता अभिलाष थपलियाल जो कि कान फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर छा गए। कान फेस्टिवल के रेड कारपेट लुक के लिए अभिलाष ने काले रंग के कुर्ते के साथ एप्पल डिजाइन वाला स्टोल पहना जिसे एप्पल गर्ल मीनाक्षी खाती ने डिजाइन किया था। दरअसल अभिलाष चाहते थे कि फैशन की राजधानी के नाम से मशहूर कान के रेड कारपेट पर जब वो पहली बार जाएं तो अपने साथ उत्तराखंड की पहचान को भी ले जाएं। अभिलाष का ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट उत्तराखंड के लोगों को गौरवान्वित कर गया। उत्तराखंड के रहने वाले और रेडियो जॉकी के बाद अभिनेता बने अभिलाष थपलियाल अनुराग कश्यप की फिल्म कैनेडी में महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। कैनेडी के प्रीमियर के लिए वो टीम के साथ फ्रांस के शहर कान में है। मीडिया से बातचीत में अभिलाष ने बताया कि जब रेड कारपेट पर लुक की बात हुई तो उन्होंने अपनी पहचान लेकर वहां जाने की सोची। इसे लेकर उन्होंने अपनी डिजाइनर अमनदीप कौर से बात की और फिर ड्रेस के साथ एप्पल डिजाइन मैच करने का फैसला लिया। इसके बाद उन्होंने मीनाक्षी खाती से संपर्क किया जिन्होंने कई बेहतरीन डिजाइन बताए। बाद में स्टोल और कुर्ते के कॉलर पर एप्पल का बॉर्डर बनाया गया। अभिलाष चाहते हैं कि उत्तराखंड के लोग अपनी बोली और पहचान को अपनाएं, इससे न केवल हम अपनी संस्कृति को बचाएंगे बल्कि आने वाली पीढ़ी तक इसे पहुंचने में मदद मिलेगी। स्टोल को डिजाइन करने वाली रामनगर की रहने वाली मीनाक्षी खाती इस बात से काफी ज्यादा खुश हैं कि उनके एप्पल डिजाइन को कान जैसा अंतर्राष्ट्रीय मंच मिला। मीनाक्षी बताती है कि अभिलाष की टीम ने एप्पल डिजाइन के लिए उनसे कॉन्टेक्ट किया था। आपको बता दें उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल की प्रसिद्ध लोक कला एप्पल को साल 2021 में GI टैग मिल चुका है। पुराने समय से ही पूजा के स्थान और घर के द्वार को खास मौकों पर एप्पल से सजाने की परंपरा रही है। हालांकि अब एप्पल कला घर तक सीमित न रहकर देश विदेश तक पहुंच गई है। एप्पल डिजाइन में बनी नेम प्लेट वाला पेंटिंग, पूजा की चौकी, कप ट्रे समेत अन्य मिट्टी के बर्तन की खासी मांग है। इसके साथ ही कपड़ों खासकर साड़ियों पर बनाए जा रहे एप्पल को काफी ज्यादा लोगों में पसंद किया जा रहा है। उत्तराखंड के रहने वाले और अब बॉलीवुड में अपना नाम कमा रहे अभिनेता अभिलाष की इस पहल पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राय शुमारी।